मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग पल्लव में जो आपकी हिंदी सेकेंड की बुक है इसमें आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपका कोर्स जो पीरियोडिक वन में है चैप्टर 1 to 11 कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम इसमें रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप इस बुक को निकालिए, आज हम ओरली रिवीजन करेंगे, कल इसका आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 का। इसके लिए आपको एक रिवीजन कॉपी बनानी होगी, उसमें आपको टेस्ट देना होगा। क्लासरूम कॉपी में कोई भी टेस्ट नहीं देगा, ओके? तो सबसे पहले आप अपनी पल्लव बुक निकालिए, इसमें चैप्टर 1 को ओपन करिए। ओपन कर लिए सबने? ये है पार्ट ए, बिना मात्रा वाले शब्द। ये जो आप ये पढ़ चुके हैं पहले भी, बिना मात्रा वाले शब्द, इसी को आपको आज रिवाइज करना है और कल इसको आपको टेस्ट देना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको बुक को ओपन करिए, इसमें आज हम बिना मात्रा के जो वर्डों को जोड़कर शब्द बनाएंगे वो 2 अक्षर वाले होंगे, 3 अक्षर वाले होंगे और 4 अक्षर वाले होंगे। तो आज हम इसको समझते हैं कि 2 अक्षर वाले शब्द को यहाँ हम कुछ बना के लिखते हैं। 2 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे हम यहाँ पर पहले। तो 2 अक्षर वाले शब्द हैं बिना मात्रा के, ये बिना मात्रा के शब्द देखिए, 2 अक्षर वाले शब्द बना रहे हैं हम यहाँ पे। घा धन रा बराबर घर, 2 अक्षर वाले शब्द बन गए बिना मात्रा के, मात्रा देखिए नहीं लगा है। फा धन ला बराबर फल, ओके? इसके बाद है ना धन ला बराबर नल, हो गया। ये 2 अक्षर वाले शब्द बन गए बिना मात्रा के, सबको समझ में आ रहा है। एक पहला बन गया घर, दूसरा है फल और तीसरा बन गया नल। आइए हम देखते हैं यहाँ पर 3 अक्षर वाले शब्द अब बनाते हैं। 3 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के, 3 अक्षर वाले शब्द में आप बनाएंगे बिना मात्रा के। देखिए का धन मा धन ला बराबर कमल बन गया, 3 अक्षर वाले शब्द से मात्रा का कहीं यूज नहीं है। दूसरा बना दिया हमने मा धन हा धन ला बराबर महल, ठीक है, महल बन गया। और तीसरा हम बना दिए मा धन टा धन रा बराबर मटर, बन गया ये 3 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखेंगे 4 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के कैसे बने, इनको रिवाइज करते हैं। यहाँ पर 4 अक्षर वाले शब्द, ठीक है, यहाँ पर बनाया हमने ब धन र धन ग धन द, तो क्या बन गया ये ब र ग द बरगद बन गया। दूसरा इसी तरह से हम बनाएंगे अ धन ज धन ग धन र, बन गया क्या बच्चों अ ज ग र अजगर, यह सबको समझ में आ गया, ये बन गया अजगर। इसी तरह से एक और हम वर्ड यहाँ बनाते हैं का धन सा धन र धन ता, ये बन गया का सा र ता कसरत, ठीक है, सबको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसी तरह से हम 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्दों का रिवीजन करेंगे और इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करें। इन्हीं के बेसिस पे आपका कल टेस्ट होगा, उनमें आपसे 2 अक्षर वाले शब्दों को जोड़कर पूछा जाएगा कि इसको जोड़ करके कैसा शब्द बना, जैसे से आप बनाया है घा धन र बराबर घर, ये आपका लिखा रहेगा। आप इस तरह से शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द को, वर्डों को जोड़ करके नए शब्द बनाएंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपके 3 अक्षर वाले शब्द बनेंगे, 4 अक्षर वाले शब्द बनेंगे, इसी के बेसिस पे आपको नए नए शब्द बनाने होंगे, ठीक है। और आपको बिना मात्रा के बोला जाएगा कि आप बिना मात्रा के 2 शब्दों को लिखिए, बिना मात्रा के 3 शब्दों को बनाइए, बिना मात्रा के 4 अक्षर के शब्द बनाइए, ऐसे आपको बनाने होंगे। इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में इसको रीडिंग करिए और इसको जोड़ जोड़ करके पढ़िए, जैसे इसमें जोड़ जोड़ के बताया गया है। यहाँ पर देखिए लाइन से 2 अक्षर वाले शब्द जोड़ कर बनाए गए हैं, 3 अक्षर वाले शब्द जोड़ करके बताए गए हैं,
चार अक्षर वाले शब्द जोड़ के बताया गया और यहाँ पे उनका उच्चारण किया गया है। यहाँ कुछ शब्द बनाए गए, उनको आपको उच्चारण करके प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल आपका टेस्ट है, रिविजन टेस्ट, उसमें आप अपनी पास जो है रफ कॉपी या रिविजन कॉपी बना लेंगे, उसमें टेस्ट देंगे, क्लास रूम कॉपी में टेस्ट नहीं देंगे। ओके बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।